डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का रघुवंशी सर्स बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज इस क्लास में हमने आपको बताया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। आई मीन रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें बच्चों, तो हम देखेंगे यहाँ पर ह्यूमन फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पाया जाता है ओवरी। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता भाई? ऐसे ऑर्गन व्हिच आर इन्वॉल्व इन गैमेट प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ सेक्स हार्मोन्स, मानी वो ऑर्गन जो गैमेट प्रोडक्शन आई मीन ओजेनेसिस करता है, ओवम का फॉर्मेशन करता है, और फीमेल सेक्स हार्मोन स्टेरॉयड हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं, ओवेरियन हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं, वो कहलाते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ह्यूमन फीमेल में एक पेयर ओवरी का होगा, एक पेयर ओविडक्ट्स का होगा जिनको फलोपियन ट्यूब कहते हैं, सिंगल यूट्रस होगा, यूट्रस का नेक आई मीन सर्विक्स ऑफ नेक होगा, वेजाइना होगा, एक्सटर्नल जेनिटेलिया होगा, और इन्हीं के एसोसिएशन में अगर कह सकते हैं इंटीग्रेटेड होता है स्ट्रक्चर इन फंक्शनली, एक पेयर मेमोरी ग्लैंड का भी पाया जाता है। अगर हम इसी चीज को आपकी एनसीईआरटी बुक में देखें बच्चों, तो एनसीईआरटी बुक में हमको ऐसे देखें, ये आपकी एनसीईआरटी बुक है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ ओवरीज along with a pair of oviducts, uterus, cervix, vagina and the external genitalia. External genitalia का मतलब external genital organs which are located in pelvic region. कहते हैं बच्चों, these parts of the reproductive system along with the pair of the mammary glands are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care. कहते हैं बच्चों, ovaries are primary sex organs that produce the female gamete ovum and several steroid hormones, जिनको आप कह सकते हैं ovarian hormones. कहते हैं बच्चों, the ovaries are located one on each side of the lower abdomen and each ovary is about 2-4 centimeter in length. प्रत्येक ओवरी की जो लंबाई होती है 2-4 सेंटीमीटर होती है, and each ovary is almond shape. कहते हैं ओवरी कनेक्टेड रहता है with the pelvic wall and uterus by means of ligaments. माने ओवरी पेल्विक वॉल एवं यूटरस से कनेक्टेड होता है लिगामेंट के द्वारा। अब बच्चों, कहते ईच ओवरी इज कवर्ड बाई ए थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड एन एपिथेलियम व्हिच इनक्लोजेस द ओवरियन स्ट्रोमा। कहते हैं प्रत्येक ओवरी जो होती है ना बच्चों, वो क्या होता है, एक पतली मेम्ब्रेन जिसको आप कह सकते हैं इपिथिलियम, ये इपिथिलियम के द्वारा इनक्लोज है, इसके अंदर जो भी सबसे इसको कहते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा, और ये जो ओवेरियन स्ट्रोमा है ना बच्चों, ये भी दो जोन में डिफरेंशिएटेड होता है। पेरिफेरल जोन जो होता है इसको बोलते हैं कार्टेक्स एंड इनर इज कॉल्ड एज मेडुला। तो हमने कहा बच्चों, द ओवेरियन स्ट्रोमा is divided in two distinct zones. A peripheral zone is called as cortex and inner is called as medulla. इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने देखा कि reproductive system of a female human being includes a pair of ovaries, a pair of oviducts,
सिंगल यूट्रस, सर्विक्स वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेरिया व्हिच आर लोकेटेड इन पेल्विक रीजन. कहते दीज पार्ट्स ऑफ द सिस्टम एलॉन्ग विद द पेयर ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर. कहते हैं बच्चों ये जो ओवरी होती है ना, इट इज द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन व्हिच प्रोड्यूसेस द फीमेल गैमेट ओम एंड सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन्स कॉल्ड ओवेरियन हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एटसेट्रा. कहते हैं बच्चा द ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन. हमने कहा ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड इज आलमंड शेप एंड ओवरीज रिमेन कनेक्टेड विद द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय मींस ऑफ लिगामेंट. कहते ईच ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम व्हिच इनक्लोजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा. और कहते हैं बच्चों ये जो स्ट्रोमा होता है इट इज डिफरेंशिएटेड और इट इज डिवाइडेड इन 2 zones. पेरिफेरल जोन इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स एंड इनर जोन इज कॉल्ड एज मेडुला. अब इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों तो कहते हैं द ओविडक्ट्स, यूटरस एंड वजाइना कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट्स. हमने कहा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया ओवरी. इसके बाद हम बात करें फलोपियन ट्यूब ये जिसको ओविडक्ट कहते हैं, यूटरस और वजाइना ये सब मिलकर के बनाते हैं एसेसरी डक्ट. और कहते हैं बच्चों ह्यूमन फीमेल में एक फलोपियन ट्यूब की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है. ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है. जैसे देखिए यह है बेटा ओवरी, यह है यूटरस, यूटरस से कनेक्टेड है बाय मींस ऑफ लिगामेंट. यह फलोपियन ट्यूब जिसको ओविडक्ट भी कहते हैं, इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है. वो पार्ट इसका वो हैंड जो नियर टू द ओवरी होता है इसको इनफंडिबुलम कहते हैं, जो फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है. इसके एंड पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं जिनको हम लोग कहते हैं फिम्ब्री. और ये फिम्ब्री क्या करता है, ओवरी से ओवुलेशन के बाद निकले ओवम को कैप्चर करने में मदद करता है. अब इसका जो पोस्टीरियर पार्ट है या ओविडक्ट का मिडिल पार्ट है ये कहलाता है एम्पुला. एम्पुला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. कहते हैं बच्चों ह्यूमन बीइंग में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता, और इंटरनल होता कहाँ होता है, इन फलोपियन ट्यूब होता है. और फलोपियन ट्यूब के किस रीजन में होता है, एम्पुला रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है. याद रखिएगा नीट यूजी एग्जाम के लिए इस पॉइंट को याद रखिएगा, इन ह्यूमन बीइंग द फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल अकर्स इन फलोपियन ट्यूब स्पेशली इन द एम्पुला रीजन ऑफ द फलोपियन ट्यूब. द पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ इट इज कॉल्ड इस्थमस व्हिच इज रिमेन कनेक्टेड विद यूटरस. अब बच्चों देखो हमने कहा फलोपियन ट्यूब का यहां लिखा हुआ ईच फलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 टू 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूटरस. कहते हैं द पार्ट ऑफ इट क्लोजर टू द ओवरी इज द फनल शेप एंड इज कॉल्ड इनफंडिबुलम. कहते हैं द एजेस ऑफ द इनफंडिबुलम पजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिम्ब्री व्हिच हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओवुलेशन. ये फिम्ब्री ओवुलेशन के बाद ओवम के कलेक्शन में मदद करता है. कहते हैं इनफंडिबुलम लीड्स टू अ वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट एंड दिस वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इज कॉल्ड एज एम्पुला. और मैंने बताया था बच्चों
एम्पुला इज द साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन, ये याद रखना है। कहते हैं द लास्ट पार्ट ऑफ द लास्ट पार्ट ऑफ द ओबिडक्ट इज कॉल्ड इस्थमस एंड इट हैज नैरो ल्यूमन एंड इट जॉइंट्स द यूटरस। कहते हैं बच्चों ह्यूमन फीमेल में सिंगल यूटरस होता है एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओम्ब, WOMB ओम्ब, इसे ओम्ब भी कहते हैं। कहते हैं द शेप ऑफ द यूटरस इज लाइक एन इनवर्टेड पियर, उल्टे नाशपाती के आकार का होता है यूटरस का शेप। कहते हैं इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स अटैच टू द पेल्विक वॉल, माने यूटरस भी पेल्विक वॉल से लिगामेंट के द्वारा अटैच रहता है। द यूटरस ओपन्स इनटू द वेजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स, सर्विक्स का मतलब होता है नेक ऑफ यूटरस। कहते हैं बच्चों द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड एज सर्वाइकल कैनाल, सर्विक्स के अंदर जो कैविटी होती है स्पेस होती है उसको सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। कहते हैं सर्वाइकल कैनाल एलॉन्ग विद द वजाइना फॉर्म द बर्थ कैनाल, और इसे बर्थ कैनाल के थ्रू चाइल्ड बर्थ फैसिलिटेट होता है। अब कहते हैं बच्चों द वॉल ऑफ द यूटरस हैज थ्री लेयर्स ऑफ टिश्यू, यूटरस की वॉल में टिश्यूज का तीन लेयर होता है। द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस लेयर इज कॉल्ड एज पेरिमेट्रियम, मिडिल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल इज कॉल्ड मायोमेट्रियम एंड इनर ग्लैंडुलर लेयर इज कॉल्ड इंडोमेट्रियम। इसका मतलब इंडोमेट्रियम वो पार्ट होता है व्हिच लाइंस द यूटराइन कैविटी। अब चूंकि इंडोमेट्रियम यूटराइन कैविटी को लाइन करा, इनर फ्री सरफेस को लाइन करा, इसका मतलब एपिथेलियम है, क्योंकि अंदर की तरफ इसे इंडोथीलियम भी कहते हैं। यूटराइन इंडोमेट्रियम इज द इंडोथीलियम। और बच्चों ये ग्लैंडुलर लेयर होती है। कहते हैं दिस एंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हाइल द मायोमेट्रियम एग्जिबिट्स स्ट्रांग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। मतलब बच्चे के जन्म के समय यूटराइन वाल में स्ट्रांग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन डेवलप होता कहाँ, मायोमेट्रियम, जिसके कारण पेन डेवलप होता, जिसको आप लोग लेबर पेन कहते हैं। भाई चाइल्ड बर्थ के पहले जो पेन डेवलप होता दैट इज कॉल्ड लेबर पेन, और उस लेबर पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है स्ट्रांग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल ऑफ द यूटराइन वॉल, और उस स्मूथ मसल की लेयर को हम लोग कहते हैं बच्चों मायोमेट्रियम। तो इस तरीके से हम लेकर मायोमेट्रियम का जो स्ट्रांग कॉन्ट्रैक्शन है ये डिलीवरी ऑफ द बेबी में मदद करता है। अब कहते हैं बच्चों द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड्स मांस प्यूबिस लेबिया मेजरा लेबिया माइनरा हाइमन एंड क्लाइटोरिस। एक्सटर्नल जेनिटेलिया का वह पार्ट जो मांस प्यूबिस है ये कुशन ऑफ फैटी टिश्यू होता है कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। मतलब फैटी टिश्यू का वह पार्ट जो स्किन से कवर होता है और जिसके ऊपर प्यूबिक हेयर पाए जाते हैं वो कहलाता है मांस प्यूबिस। कहते हैं द लेबिया मेजर आर फ्लेशी फोल्ड्स ऑफ द टिश्यू व्हिच एक्सटेंडेड डाउन फ्रॉम द मांस प्यूबिस एंड सराउंड द वजाइनल ओपनिंग। कहते हैं मांस प्यूबिस से डाउनवर्ड ग्रो करता है और वजाइनल ओपनिंग को सराउंड करता है कौन, लेबिया मेजरा जो कि एक फ्लेशी फोल्ड है। कहते हैं बच्चों लेबिया माइनरा आर पेयर फोल्ड ऑफ टिश्यू, लेबिया माइनरा आर पेयर्ड फोल्ड्स ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया मेजरा। कहते हैं द ओपनिंग ऑफ द वजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शियली बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन। कहते हैं द ओपनिंग ऑफ द वजाइना इज ऑफन
covered partially by a membrane called hymen. कहते हैं, the clitoris is a tiny finger-like structure which lies at the upper junction of the two labia minora above the urethral opening. Urethral opening, I mean opening of urethra. Urethra क्या होता है? Urine carrying duct. माने urethral opening के ऊपर जहां पर लेबिया माइनर दो जुड़ते हैं वहां पर एक फिंगर लाइक टाइनी प्रोजेक्शन होता है जिसको कहते हैं क्लाइटोरिस. एंड दिस क्लाइटोरिस इज कंसीडर्ड एज होमोलागस टू द पेनिस ऑफ मेल. तो क्लाइटोरिस को पेनिस का होमोलागस माना जाता है. एंड इट इज कंसीडर्ड एज मोस्ट सेंसिटिव पार्ट इन ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब बात करें बच्चों, कहते हैं द हाइमन इज ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस और इंटरकोर्स. नॉर्मली कहा जाता है ये जो हाइमन मेम्ब्रेन होती है इट गेट टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस और इंटरकोर्स. हाउएवर इट कैन आल्सो बी ब्रोकन इन सम स्पोर्ट्स लाइक हॉर्स बैक राइडिंग, साइकिलिंग एटसेट्रा. मैंने साइकिलिंग, हॉर्स बैक राइडिंग जैसे स्पोर्ट्स में भी अगर इन्वॉल्व होते हैं तो ये हाइमन मेम्ब्रेन रप्चर कर जाती है. इन सम विमेन द हाइमन परसिस्ट इवन आफ्टर क्वाइटस. तो इस तरीके से बच्चों, इन फैक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस. इस तरीके से हम लोगों ने बच्चों कंप्लीट किया द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात किया, हमने एसेसरी डक्ट्स की बात किया, हमने एक्सटर्नल जेनिटालिया की बात किया. और ये आपको बच्चों याद रखना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी. तो नाउ दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर. अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द मेमोरी ग्लैंड. नाउ दिस इज ऑल फॉर दिस. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स.